लास्ट वीडियो के अंदर हम अपनी यूआई को कंप्लीट कर चुके थे, तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी बैकएंड को सेटअप करेंगे और इसके साथ फायरबेस को कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि अपनी डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो अपने सारे पैकेजेस हैं उनका नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, फायरबेस कोर। अब ये फायरबेस कोर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से ये सारी फायरबेस हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए हम इसको ज़रूर ऐड करते हैं। इसके साथ कॉमा लगाएंगे। और अभी हम इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है, हम अपने ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए वहाँ पे सारी ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे फायरबेस ऑथ को भी ऐड कर लूँगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे फायरबेस स्टोरेज को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यूज़र की प्रोफाइल भी स्टोरेज के अंदर स्टोर करवानी है और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी इमेजेस भी हमने वहीं पे स्टोर करवानी है। तो वो करवाने के लिए फायरबेस स्टोरेज यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे जो भी हमने अपना यूज़र का डेटा एंटर करना है या प्रोडक्ट्स का डेटा एंटर करना है, वो सारा हम क्लाउड स्टोर के अंदर रखेंगे। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे फायरबेस क्लाउड को भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्लाउड और यहाँ पे फायर स्टोर, तो ये चार पैकेजेस हमने इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने हैं अभी तक। तो इनको लिखेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये यहाँ से सारे पैकेजेस को गेट करेगा और हमारी एप्लीकेशन के pubspec.yaml के अंदर उनको ऐड करवा देगा। तो इसको ऐड होने का वेट करते हैं। जी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट हो चुका है, मतलब सारे पैकेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अभी हम उनको देख भी लेते हैं। तो pubspec.yaml के अंदर हम देखेंगे कि आप ये सारे पैकेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी फायरबेस को सेटअप करना है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो वो करना मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, लेकिन ये क्योंकि हम सीरीज़ को रन कर रहे हैं तो इसी के अंदर मैं आपको दोबारा भी सारा सिखा देता हूँ। तो आपने console.firebase.google.com पे आना, यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन होने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये ऐड आ चुका होगा, वरना आपके बाकी प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने लगा हूँ, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, तो मैं इसका नाम ई मार्ट रख देता हूँ और यहाँ पे इसको ओके होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका, तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पे ये एनालिटिक्स आप चाहें तो इसको ऑन भी कर सकते, तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं कि इसको ऑन करने के फ़ायदे कौन कौन से होंगे, कि आप इसको क्रैशलिटिक्स, क्लाउड मैसेजिंग, इन ऐप मैसेजिंग, रिमोट कॉन्फिग, ये सारा आप तब यूज़ कर पाएंगे जब आप इसको ऑन करेंगे। तो आप अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा इसलिए मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो अभी मैं अपने प्रोजेक्ट की डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से हमने क्या करना है, हम क्योंकि एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद हमें यहाँ पे इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने ऐड करना है एंड्रॉयड पैकेज नेम, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है ये क्या होता है। इसको गेट करने के लिए आपको एंड्रॉयड फोल्डर में आना पड़ेगा और उसके बाद ये ऐप के फोल्डर के अंदर, और यहाँ से ये build.gradle फाइल है, इसको आप ओपन करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये इसका आईडी मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि ये हर एप्लीकेशन का अलग होता है, तो आप किसी और एप्लीकेशन के साथ इस अपने फायरबेस को कनेक्ट ना करो, इस वजह से ये यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वापस ईमार्ट दे देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें SHA-1 और SHA-2 ऐड करना पड़ता है, तो फिलहाल तो यहाँ पे ये SHA-1 मांग रहे हैं तो मैं इसको वो दे दूंगा। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए, तो क्योंकि हम इसके अंदर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे हमें ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हम किस तरह से गेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो मिनिमम SDK है ना, इसको हमें यहाँ पे 21 कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये कंपाइल्ड SDK वर्जन है और यहाँ पे आपको 33 कर देना है। इसको करने के बाद आप सेव कर दें।
और यहाँ से इसको आप क्लोज करो। तो अभी हमने ये SHA-1 गेट करना है, तो ये करने के लिए हमें यहाँ टर्मिनल में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें, मैं अभी अपने ईमार्ट ऐप के फोल्डर के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं CD एंड्रॉइड करूंगा। तो अभी मैं अपने इस एंड्रॉइड के फोल्डर में आ गया हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये जो ग्रेडल W वाली फाइल है ना, इसको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ग्रेडल W और यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट ये सारा प्रोसेस यहाँ पे करेगा, और वो करने के बाद हमें SHA-1 और SHA-2 दोनों प्रोवाइड कर देगा। तो इसको होने देते हैं पहले। तो ये यहाँ पे सारा कुछ हो चुका। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी SHA-1 है और ये SHA-2, तो हमें फिलहाल SHA-1 की ज़रूरत है। तो इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, तो वो कर देंगे। यहाँ से इसको रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर होने के बाद ये हमें googleservices.json की फाइल प्रोवाइड करेगा। तो वो हमें यहाँ कहाँ पे रखना है, अपने एंड्रॉयड के फोल्डर के ऐप के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट करवाना है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे अपने एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर के अंदर इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो अभी ये कह रहा है कि आपने ये SDK अपने ऐप के अंदर ऐड करना है, तो हम वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना है अपने रूट लेवल ग्रेडल फाइल के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर ग्रेडल फाइल है। तो वो हम यहाँ पे उसके अंदर क्या करेंगे, ये वाली जो क्लास पाथ है इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर ये build.gradle फाइल है, इसको ओपन करेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे डिपेंडेंसीज पे इसको यहाँ ऐड कर देना है, सेव करेंगे। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें यहाँ पे मॉड्यूल लेवल पे आना है, यानी ऐप के फोल्डर के अंदर ये जो बिल्ड ग्रेडल फाइल है इसको ओपन करना है और उसके अंदर हमने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपने ऐप के फोल्डर के बिल्ड ग्रेडल में जाएंगे और यहाँ पे हमने इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, तो ये ID यहाँ पे लिखा हुआ था, हमें यहाँ पे अप्लाई प्लगइन करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक गलती हो गई है कि ये दोनों सेम ही है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई प्लग इन कर देंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि डिपेंडेंसीज के अंदर इसको ऐड कर, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ आएंगे अपने डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसको नेक्स्ट करने पे हमारे जो सारे स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू टू कंसोल कर देंगे और यहाँ पे ये इसको सारे को क्लोज कर देंगे और इसको भी क्लोज करेंगे, ये सारे जो ओपन फोल्डर्स हैं इनको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना, मैंने अपना एमुलेटर ऑन कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हमने अपने मेन डॉट के अंदर आना है और यहाँ पर इसको हमें मेन मेथड को असिंक बनाना पड़ेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड करना पड़ेगा, ताकि जितने भी विजिट्स हैं वो पहले एक दफ़ा रन हो जाएं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, और इसका हमें वेट करना है कि जब तक ये इनिशियलाइज नहीं होती ये अगला कोड रन ना करे, मतलब हमारी एप्लीकेशन को रन ना करे। तो ये करने के बाद सेव करेंगे। तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ कि अगर कोई एरर आता है तो उसको हम फिक्स कर लें। तो यहाँ से इसको रन करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, यानी कि हमारी फायरबेस यहाँ पे ठीक से काम कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैकएंड पे ही काम करेंगे और इसकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं एम कर रहा हूँ 500 सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से उनको कंप्लीट कर दें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।